मैं कभी भी टाइपिस्ट नहीं बनना चाहता था, मेरे पिताजी चाहते थे। वो एक टाइपिस्ट थे एजीसीआर में, अकाउंट का दफ्तर। जब मैंने हाई स्कूल किया तो उन्होंने कहा कि बेटा टाइपिंग सीख ले, अपने ही दफ्तर में लगवा दूंगा। माँ कहती थी कि आगे पढ़ाना है, और मैं कहता था कि खोमचा लगा लूंगा, सर पर टोकरी रखकर सब्जी बेच लूंगा, पर टाइपिस्ट कभी नहीं बनूंगा। सारा दिन टिप टिप करते रहो। वो कहते कि तरक्की करते करते बेटा आगे स्टेनोग्राफर बन जाओगे। मैं कहता था कि स्टेनोग्राफर भी तो टाइपिस्ट ही होता है। जिसने भी टाइपराइटर पर बैठकर टिप टिप करना शुरू कर दिया, वो चाहे कुछ और भी बन जाए, उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी एक टाइपिस्ट की रहेगी। वो टिप टिप करते हुए मरेगा। मैं इस रट पे नहीं बनना चाहता। वो कहते कि किसी भी काम को रोज रोज करो तो रट लगने लगता है। अपनी माँ से पूछ लो क्या रोज खाना बनाना रट नहीं है। सूरज से लेकर चांद सितारे हर कोई रट में है, एक टाइपिस्ट की तरह। मैं सोचता था कि हाई स्कूल करने के बाद तुम हमारी कुछ मदद करने लगोगे, घर की हालत सुधर जाएगी। माँ और पिताजी के बीच में रोज बहस होती। अक्सर लड़ते हुए दिखाई देते। मैंने उन्हें कभी प्यार से बात करते हुए नहीं देखा। मुझे लगता था कभी भी अलग हो जाएंगे। पिताजी कभी भी कभी कभी तेजी से घर से बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता अब नहीं आएंगे। बहुत देर रात हो जाती है। फिर दूर गली की रोशनी के नीचे एक साया सा नजर आता ही दिखाई देता। वो आ जाते। एक दिन उन्होंने भी कहा कि मैं इस रट से निकलना चाहता हूं, इस घर गृहस्थी से। मैं कभी उन्हें देखता, कभी अपनी मां को। मेरी मां अच्छी धनी परिवार की, सुंदर, गोरी, बड़ी बड़ी आंखें। इसे पहनने उड़ने का बड़ा शौक था, पर उन्होंने मुझे किसी लायक बनाने के खातिर सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग दिया था। मुझे लगता था कि मैं मां का एक सपना हूं। वो मुझ में एक सपना देखती थी जिसे मुझे साकार करना था। मैं इन दोनों को देखता और सोचता कुछ चमत्कार कर दिखाऊंगा। चमत्कार हो गया। पिताजी डीटीसी बस के नीचे आ गए, चले गए। फिर उनके ऑफिस के कर्मचारी घर आए और मां से बोले, एक टाइपिस्ट की जगह खाली है, सपन को रख लेते।